सोच गुड एवरीवन, एक बार फिर हम आ चुके हैं PZ बाइकर्स पॉइंट पे। यहाँ पर खड़ी है 2023 यामाहा R15 M। ऑलरेडी बाइक काफी ज्यादा लोडेड है। आज हम इसमें लगाने वाले एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। एक बार हेलो कर दो तो समीर भाई, इसमें इंस्टॉल करने वाले एक फुल सिस्टम एक्रा पोविच एग्जॉस्ट, जो कि अभी पूरा का पूरा सेटअप आपसे डिस्क्लोज करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद में आपको सारे के सारे इक्विपमेंट सिखाएंगे। तीन तीन कैमरे मुझे शूट कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो गया था मैं। वैसे हमारे साथ मैं फैजल भैया, हेलो कर दो, जिनकी ये बाइक है। तो वैसे अच्छी खासी एसेसरीज ही ऑलरेडी लगवा चुके हैं। यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, क्रैश गार्ड्स, डबल बबल वाइजर, यहाँ पर प्रो टेपर के ग्रिप्स, साथ में लीवर गार्ड। नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगी हमारी HJG की स्मॉल वाली प्रोजेक्टर लैम्प्स। सो गाइस, यहाँ पर आ चुका है अपना R15 M एक्रा पोविच एग्जॉस्ट बड़ी साइज में। समीर भाई के हाथों अनबॉक्सिंग की जा रही है। एंड ये रहा हमारा R15 M एक्रा पोविच एग्जॉस्ट, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी में, एज यू कैन सी। प्लस इसमें DB किलर भी है, जिसकी साइज भी काफी ज्यादा बड़ी है। प्लस ये नॉर्मल R15 M एक्रा पोविच से काफी ज्यादा डिफरेंट है। एज यू कैन सी, यहाँ पर कार्बन टिप है, यहाँ पर कार्बन का पार्ट है, प्लस ये वाला एरिया सिल्वर में। सो गाइस, प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो की बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम अंडरबेली के आगे वाला कवर निकालेंगे, इसके हेडर्स को यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट बाहर निकाल के फुल सिस्टम बेंड पाइप लगाएंगे। एंड एज यू कैन सी, R15 V3 में इतना बड़ा कवरेज नहीं आता था, बट V4 और M के साथ में इन्होंने काफी अच्छी R&D करके यहाँ पर कवर देना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ इसी वजह से समीर भैया की मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो गाइस, सेकंड प्रोसेस है यहाँ से ऑक्सीजन सेंसर की वायर को निकालने का, जो की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉट टू मेंशन, बट हम जो बेंड पाइप लगाएंगे उसमें भी ये वाली वायर को अटैच करेंगे। एज यू कैन सी, समीर भाई ने पूरा का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम बाहर निकाल दिया है। काफी लोग यहाँ से कट करके छोटा सा बैंड पाइप अटैच करके अपना एग्जॉस्ट लगाते, ताकि एक अच्छा BC साउंड आए। एंड यहाँ पर हमारा मेन बैंड पाइप भी आ चुका है प्रॉपर स्टेनलेस स्टील के अंदर में। नए बैंड पाइप्स को इंस्टॉल करना भी बहुत ज्यादा इजी है। नीचे वाली साइड में आपको सिर्फ 2 स्क्रूज अटैच करने पड़ते हैं, एंड यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक फर्स्ट स्टार्ट ले रहे हैं बिना एग्जॉस्ट के। सो यहाँ पर हमारा बैंड पाइप विद एग्जॉस्ट आ गया है, तो आप फटाफट से इसकी आवाज़ भी सुन लेते हैं। अरे यार शांत, शांत हुआ है ना यार। सो गाइस, ऐसा कुछ एग्जॉस्ट सेटअप है। अब फटाफट से समीर भाई से इसको प्रॉपर इंस्टॉल करवा लेते हैं सारी फिटिंग्स के साथ में, और फिर आपको फाइनल आउटपुट दिखाते हैं। एग्जॉस्ट की फिटिंग तो कुछ इस तरीके की आई है। यहाँ पर साथ में हम लगा रहे हैं एडजस्टेबल लीवर ब्लैक कलर में, एंड इनको भी इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इजी है। सिंपली एक बोल्ट निकालना होता है और ये वाले इंस्टॉल करने होते हैं, एंड दैट्स इट। एंड अच्छे खासे टाइम कंजम्पशन के बाद में यहाँ पर भैया ने सोच लिया है कि टेल टाइट भी ये लगवाने वाले हैं। टेल सेक्शन है अलग से, मडगार्ड वाला एरिया पूरा का पूरा हट जाएगा और एक छोटी सी टेल टाइट आ जाएगी। लास्ट मॉडिफिकेशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है, जो की थी हमारी टेल टाइट। इस पर नंबर प्लेट अलॉन्ग विद इंडिकेटर्स दोनों हमने इंस्टॉल कर दिए। काफी ज्यादा क्लीन सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी फटाफट से इस बाइक को उतारते हैं यहाँ पैनल से नीचे, और उसके बाद इसका साउंड चेक करवाते हैं आपको रोड पे। ये वाला जो एग्जॉस्ट है बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में, बिकॉज मैंने तो आज से पहले किसी भी गाड़ी में ये वाला एग्जॉस्ट लगा हुआ नहीं देखा है। तो कह सकते हैं वन ऑफ अ काइंड वाली चीज हमने इस बाइक के अंदर में लगा दी है। और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में बताओ इस पूरी मॉडिफिकेशन में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, और किसी भी टाइप के मॉडिफिकेशन के लिए आप आ सकते हैं PZ बाइकर्स पॉइंट। सभी डिटेल्स इस वाली स्लाइड के बाद में मिल जाएगी।